वेलकम दिलीप कुमार हर्ष, वहीदा रहमान टीना और तड़का लगाने आ रहे हैं जिमी एज वेरियस आर्टिस्ट फ्रॉम द फिल्म मशाल। ओ मेरे पैरों में घुंघरू पहना दे और फिर मेरी चाल देख ले। ओ मेरे पैरों में सुधा, सुधा तुम्हें क्या हो गया है? सुधा लगता है मुझे किडनी का अटैक आ गया। नहीं नहीं, लीवर का अटैक आ गया। नहीं नहीं, पेट का अटैक आ गया। मुझे लगता है सुधा तुम्हें गैस का अटैक आया है। चलो कोई गाड़ी रोको और लिफ्ट मांगो। हाँ, लेकिन अगर हम लिफ्ट लेके चले गए तो तुम्हें अस्पताल कौन ले जाएगा सुधा? ओहो, मुझे अस्पताल तक ले जाने के लिए लिफ्ट मांगो। ए भाई, कोई है? अरे कोई है बाबू साहब, मेरी सुधा बीमार है, उसे अस्पताल ले जाना है, कोई है भाई? रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। कमाल है भाई, यहाँ इतना सीरियस सीन चल रहा है रोने का और आप हंसते हुए जा रहे हैं बीच में से। सर से लेके पांव तक यूसुफ खान, अस्सलाम वालेकुम। मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि या तो तुम सलाम करते हो या सवाल पूछते हो या कुछ मांग रहे होते हो। तुम्हें अपनी एक्टिंग सुधारने की जरूरत है बारखुरदार। और यह है क्या होता है? अपनी एक्टिंग क्लास खत्म हो गई हो तो मेरी मेरी बात भी कर लो। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे विजय, ये सुधा बीमार है और उसे अस्पताल ले जाना है, इसे उठाओ और अस्पताल ले चलो। माफ कीजिए, मैं आज भी फेंकी हुई चीज उठाता नहीं। अरे ये फेंकी हुई चीज नहीं है कमबख्त, ये मेरी बीवी है और उसे अस्पताल ले जाना है और तुम इसे ले चलो। हाँ, चिल्ला मत, रिश्ते में तुम हमारे बाप होते हो, लेकिन शक्ति में ये मशाल का सीन चल रहा है। मालूम तुमको भाई, ये अग्निपथ बीच में कहाँ से आ गया भाई? अरे अपनी फिल्मों के हिसाब किताब बाद में कर लेना, मुझे अस्पताल ले चलो। माफ कीजिए देवी जी, मैं आपको अस्पताल नहीं लेके जा सकता क्योंकि मुझे कई सारे सामान बेचने हैं। मुझे च्यवनप्राश बेचना है, तेल बेचना है, शूटिंग शर्टिंग बेचने हैं, चॉकलेट बेचना है, आपको नहीं ले जा सकता हूँ। चॉकलेट ले लो, च्यवनप्राश ले लो, अरे भाई सीमेंट ले लो। हाई अरे सुनिए, इन्हें रोका क्यों नहीं? इसका क्या भरोसा सुधा, ये इतना कुछ बेच रहा है, ये तुम्हें भी बेच देता तो। बकवास मत करो, गाड़ी रोको गाड़ी। ठीक है, हम रोकते हैं, हम रोकते हैं। ए कोई है भाई? कोई है? अरे सुनो भाई, मेरी बीवी को पागलखाने ले जाना है। ऊपर वाले ने हाथ दिया, लगे हाथ फैलाने, मांगने लगे, दे दो दे दो दे दो। ए औरत, तेरी वही कहानी है पुरानी है, कभी पति के सहारे, कभी बाप के सहारे, कभी बेटे के सहारे, कभी पोते के सहारे, खुद की कोई तेरी औकात नहीं है। उठ, अपने लिए मांग कुछ, अपने पैरों में खड़े पूछ पूछ, क्या क्या पूछ रहा है पूछ। पागल खाने का रास्ता किधर है? इधर है, इधर। तो सीधा वहीं जा। थैंक यू थैंक यू। सुनिए जी, आप नीचे छुप कर क्यों बैठ गए? यही हमारा फंडा है सुधा, कि जब कोई ओवर एक्टिंग करता है तो हम कम एक्टिंग करते हैं। अच्छा, वो बोलता है और हम नजर आते हैं, इसे अंडर प्ले कहते हैं सुधा। देखो प्लीज, कोई गाड़ी रोको वरना वरना तुम्हारी सुधा मर जाएगी। अरे कोई है? कोई है भाई? अरे हाँ, हाँ, हाँ। सुनो भाई, तुम गाड़ी चला रही हो या हाथ गाड़ी? अबे चपड़ा गंजो की औलाद, जैसे जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से बारूद बने उसे क्या कहते हैं? विश्वनाथ, विश्वनाथ। हाँ थैंक यू, विश्वनाथ कहते हैं। हमें सुधा कहते हैं, इन्हें यूसुफ खान कहते हैं, उन्हें रोहित शेट्टी कहते हैं, और उन्हें उस बेचारी को तो पता भी नहीं लोग क्या क्या नहीं कहते। अरे खड़ी गाड़ी पे कितने गियर बदलते हो भाई? खामोश, प्रॉब्लम है। तो गाड़ी क्यों नहीं बदल लेते? गाड़ी में नहीं, हमारे हाथ में प्रॉब्लम है। पूरे दिन में एक ही गियर डाल पाता हूँ मैं।
मुझे तो लगता है भाई तुम्हारी एक्टिंग भी तुम्हारे हाथ ही की तरह पहले गियर के आगे नहीं जाती। ऐसे तो मर जाओगे भाई। मंगल मंगल के दिन पैदा हुआ था, मंगल मंगल के दिन ही मरेगा। बेटा आज मंगलवार ही है। थैंक यू माजी, थैंक यू बाय। सुधा, सुधा हमसे जुदा हो गई, अब हम क्या करें? अब हम कोई बात नहीं, सुधा हमसे जुदा हो गई है तो हम तो आप पे फिदा हो गए हैं। आप आज शाम को क्या कर रही हैं मोहतरमा? Please welcome them on stage. I love India, I love India. What a location! Gutters, jhopadpatties, rang birangi No. Actually, I love gharibs. I love gharibs. Main ek film bana raha hoon. Plum Dog Millionaire. Saab. Hey, pair mat pakdo, pair mat pakdo. Arre, pair kon pakda saab? 5 rupiya gira, uthane do auto chalo. Arre! Boyle saab! Shut up. मेरा नाम बोयल नहीं, एंडी बोयल है। हमारे यहाँ तो अंडा बोयल होता है। साहब, मैं भी एक उबलता हुआ, मतलब उभरता हुआ कलाकार हूँ सर। एक सर एक रोल दो ना सर। सर, डोंट टच मी यू डर्टी इंडियन। क्या साहब, इसी डर्टी इंडिया को दिखा के तो पहला ऑस्कर जीता था आपने। और साहब, अपन तो पैदा ही आपकी वजह से हुआ है। तुम सक्कू भाई के बेटे हो? ओ भाई साहब, भाई का नाम सुन के इतने शाइनी मत होइए। मैं डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहा हूँ। मेरे माँ बाप क्या है ना, फुटपाथ पे रहते थे, गरीब थे, बारिश का सीजन था, रोमांटिक मौसम था, उधर रेडियो पे आपका गाना बजा, इधर देखो मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, प्लम डॉग मिलियनेयर। मुझे एक प्लम डॉग यानी कि मोटा कुत्ता चाहिए। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारा एक्टिंग का कोई एक्सपीरियंस है? गरीब आदमी हूँ साहब, दिन भर एक्टिंग करनी पड़ती है, छोटी सी तनख्वाह में खुश रहने की एक्टिंग, चाय पाव खाकर पेट भरने की एक्टिंग, मरी हुई आत्मा और जले हुए ईमान के साथ जिंदा रहने की एक्टिंग। वाह, कैसी लगी एक्टिंग? डन, योर फाइनल। पिक्चर का थॉट क्या सर? थॉट बहुत फ्रेश है। एक्चुअली मैं जब सुबह फ्रेश होने गया था तभी मुझे ये थॉट आया था। मेरी फिल्म में एक स्लम है, हाँ, एक डॉग है और मिलियनेयर। या मिलियनेयर है ना मेरा फाइनेंसर, उसके पास पैसा है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, समझ गए? समझ गया, फिल्म खत्म होने के बाद उसके पास एक्सपीरियंस रहेगा, इनके पास पैसा रहेगा। अच्छा है साहब, वो शूटिंग का भी खेलेंगे? बस एक अच्छी सी हीरोइन मिल जाए तो शूटिंग शुरू कर देंगे। ये कैसी है? ओह माय गॉड, इसको तो दाढ़ी है। अबे सीधा पकड़ एगड़े। बाल इसके बहुत खर्चा इसमें। अच्छा ये बताओ कि ये अब ये तस्वीर में रहेगी या तकदीर में भी आएगी? सर जिधर बोलो उधर आएगी सर। राधा रानी। हाँ, कैसी लगी? एकदम चक्की फ्रेश, एक्सपीरियंस न्यू, कमर Not bad. ए बैड नहीं है, साइकिल की करियर पे गदेला बांध के लाई हूँ, बिछा दू। राधा, ये घाई साहब नहीं है, है? मतलब ये साहब घाई में नहीं। आराम से। अरे आराम के लिए तो गदेला लाई हूँ, बिछा दू। नो, बाद में। देखा, कोई पहले कोई बाद में, सभी आ जाते औकात में। वैसे आपकी फिल्म की औकात क्या है? क्या फिल्म है आपकी? मेरा फिल्म इंग्लिश में है। फिर तो स्टोरी भी होगी। है ना, स्टोरी है ना, कुत्ते लोग के ऊपर है। हाँ, इसीलिए तुम लोगों को ले रहा हूँ मैं। क्या है ना, आप लोग सस्ते भी है, अपना कोई वेलफेयर मिनिस्टर भी नहीं है। मैं इनका मतलब समझ गई, तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू मेरी बात सुन। हाँ। तू मेरे को बता, हाँ। ये अपना कुत्ता लोग को लेके फिल्म क्यों बना रहा है? इसके देश में कुत्ते नहीं है क्या? क्या है ना कि इसके सारे कुत्ते इराक और अफगानिस्तान में बिजी है। oh. ये ना इन लोगों टाइम प्लीज बोल गया है। क्या सर? यस। ये भी कंफर्म है। सर, मेरे को बताओ ना, मेरा हीरो कौन होगा? एक्चुअली तुम्हारे ऑपोजिट हम किसी अच्छे कुत्ते को लेंगे, यू नो, लाइक जर्मन शेपर्ड।
सब ऐसे ही बोलते हैं, जर्मन लेगा, बाद में हरमन को ले लेते हैं। राधा ये बहुत बड़ी फिल्म है, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। व्हाट कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा? अरे सर मेकिंग में नहीं होगा, टेकिंग में होगा सर। अरे मैं पिक्चर बना रहे, देखो तुम्हारा हीरो बनेगा सुपरस्टार जय कुमार। तू बनेगा सुपरस्टार? अबे मेरे और बच्चन साहब में खाली टाइम का फर्क है। कैसे रे? उनका सही चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा है। सर चलेगा चलेगा चलेगा, मेरे को हरमन चलेगा। ओके वेरी गुड एज यू विश राधा रानी, तुम ही बनोगी मेरी फिल्म की लीड हीरोइन। सर लीड रोल तो कुत्ते का है सर, मेरा है। मैं सब्जेक्ट बदल दूंगा। जिसको आप बदल रहे ना सर, उसको सब्जेक्ट नहीं नियत बोलते हैं। देखो तुम्हें मैं हॉलीवुड की रानी बना दूंगा। ओ, इस रानी की इतनी आदिमत हो, आपके यश को हानि पहुंचेगी। Shut up. मैंने डिसाइड किया है मेरी फिल्म का टाइटल होगा प्लम बिच मिलेनियर। अरे सर इस बीच में मेरा रोल? तुम्हारा रनिंग रोल है, तुम भागो। सर ये बताओ हम हॉलीवुड कब जाएंगे? जाएंगे थोड़े दिनों बाद जाएंगे। इस पे भरोसा मत करना, ये लोग पहले भी ऐसा बोल के आए थे, 300 साल तक वापस नहीं गए ये लोग। Yeah.